लाइव हर जुर्म का पर्दा। हमारा हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह है, जिस तरह एक गुलदस्ते में तरह तरह के फूल हुआ करते हैं, उसी तरह हमारा भारत है, जिसके गुलदस्ते में हर धर्म, हर जात, हर धर्म के लोग बगैर भेदभाव मिलजुल कर रहते हैं, साथ ही एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होकर सुख दुख बांटते हैं। यही मेरे मुल्क की संस्कृति है, जिसकी बदौलत पूरे विश्व में हमारी अपनी अलग पहचान है। उक्त बातें पूर्व मंत्री विधायक सनातन पांडेय के घर पर आयोजित 13 वर्ष पूर्व आकस्मिक दुर्घटना में अकाल के गाल में समा गए परिवारजन, जिनकी पुण्यतिथि के अवसर पर कही। सर, सभा में गरीब, दलित, पिछड़ा, हिंदू, मुसलमान जिस तरह से इकट्ठा हुए हैं और हर बार इकट्ठा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, ये हमारे हिंदुस्तान का जो है एक गुलदस्ता भरा स्वरूप है, जिसमें हर जात, हर वर्ग, हर धर्म के लोग जो है एक साथ रह करके अपनी खुशी और अपना सुख मनाने का, खुशी भी और दुख मनाने का काम करते हैं। अगर हमारे यहाँ जो है, हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा त्यौहार जो है 15 अगस्त और 26 जनवरी के रूप में मनाया जाता है, चाहे हिंदुस्तान का जो है, हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू हो, चाहे हिंदुस्तान का जो है मुसलमान जो हिंदुस्तान में रहता हो, चाहे बाहर के मुल्कों में भी रहता है, तो भी उसी दिन जो उस त्यौहार को जो है बड़े खुशी के साथ मनाने का काम करता है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल जो है हमारे यहाँ की बेतफा पैदा करना चाहते हैं, उनकी एक ही मंशा है कि हम राजनीति के लिए सब कुछ कर सकते हैं और सब कुछ कुछ करने की ताकत रखते हैं, इसलिए उनके मंसूबे बढ़े हुए हैं। लेकिन भारत के लोग जो है उनके मंसूबे को सफल नहीं होने देंगे। आने वाले दिनों में 2022 का चुनाव है, इसी में उनके मंसूबे ध्वस्त हो जाएंगे। ऐसे का फिर आगे चल करके 2024 में वही चीज़ आपको देखने की मिलेगा कि हिंदुस्तान में वही राज करेगा जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की बात करता हो, जो भारत के संविधान की बात करता है, भारत में एकता और अखंडता की बात करता है, उसी के हाथ में भारत की बागडोर होगी। यही मैं आपसे धन्यवाद सर कहता है उनके लिए, समाजवादी पार्टी परिवार के लिए और बलिया जनपद के समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के लिए। आज का दिन बहुत ही दुखद दिन है। आज ही का दिन इनके भाई, इनके भतीजे, इनकी बेटी और पुत्री का आज ही का दिन ये दुखद घटना हुआ था। इस वजह से पूरे बलिया जनपद के समाजवादी पार्टी परिवार के तरफ से, कार्यकर्ताओं के तरफ से, सबके तरफ से मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और ईश्वर से मैं विनती कर रहा हूँ कि हे ईश्वर, इस दुख की घड़ी में इनको दुख सहने की क्षमता दे, इनको ऊर्जा दे, इनको ताकत दे, जिससे ये उबर करके समाज के, गरीब के, दीन दुखियों के।